अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा हैं आप लोग, क्या हाल है? बारिश हो रही है कराची में और लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों ने बारिश को कितना इंजॉय करा है जो लोग कराची में रहते हैं। और शहरों को तो मुझे पता नहीं कि बारिश हुई है या नहीं हुई, लेकिन हमारे कराची में रात बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है और बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। अभी भी बादल हुए हुए हैं, क्या पता रात को दोबारा बारिश हो। और इसके साथ साथ हम ये देखें, हम ये बना रहे हैं आज आलू और कीमा। ये देखें, हमने डाल दिया है तेल गरम करके, इसमें हमने डाल दी है प्याज, ये हमने प्याज डाल दी है, ये हमने प्याज डाली है। जब प्याज ब्राउन हो जाएगा इसके बाद हम अदरक लहसुन डालेंगे। और ये हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्चें, ये देखें, ये पेस्ट बना के रख लिया है अदरक और हरी मिर्चों का। और आलू हमने काट के रख लिए हैं। कीमा हमारा कहाँ है? कीमा हमने धो के पानी छोड़ने के लिए रख दिया है। और सारे मसाले, ये देखें, ये हमारा कीमा है जो हमने धो के पानी छोड़ने के लिए रख दिया है। ये आलू हमने काट के दो तीन पानी में अच्छी तरह निकाल के और हमने पानी डाल के उसको भी रख दिया है। ये हमारा अदरक हरे लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार है। वजह से प्याज ब्राउन होगा के बाद हम अदरक लहसुन डालेंगे, फिर उसके बाद हम ये कीमा डालेंगे, फिर उसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखें, ये अभी हमारा तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है। अच्छा व्यूअर्स, ये देखिए, ये हमारा प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसको ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डार्क करेंगे तो हमारा सालन काला हो जाएगा। इसलिए हम इसी में जो है ना, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जो हमने बना के रखा था, ये हम इसमें डालेंगे पानी में, ये हम इसमें डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा आधा गिलास पानी डालेंगे ताकि हम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर सकें। ये देखें, ये आधा गिलास पानी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। भूनने के बाद फिर हम ये जो हमने कीमा धो के रखा हुआ है, ये हम कीमा डालेंगे। तो ये बस, ये देखिए, हमारा मसाला जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला था, उसे हमने अच्छी तरह से भून लिया और सारा पानी खुशक हो चुका है। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब हम उसके बाद डालेंगे इसमें जो हमने ये कीमा धो के रखा है, ये कीमा लेंगे। अब हम ये कीमा इसमें डाल देंगे। कीमा डालने के बाद ये देखें व्यूअर्स, हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। देखें, अच्छे से भुनाई करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा कीमा अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखें, इसने तेल छोड़ दिया है, तेल मैंने अच्छे से छोड़ दिया है। अब इसके बाद हम ये मसाले हमने निकाले हैं। ये देखें, ये है गरम मसाला एक चम्मच, नमक है एक चम्मच, पिसा हुआ धनिया और एक चम्मच हल्दी है और दो चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। और वैसे आप अपने हसब जायका, जैसे आप लोग पसंद करते हैं लाइट या डार्क, वैसे आप डाल सकते हैं। और ये चार टमाटर है, ये हमने काट लिए हैं, ये भी इसमें जाएंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे नाजर इसमें, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये सारे मसाले, ये तमाम मसाले इसमें डालेंगे। मसाले चिपक गए, इसको पानी डाल दें। दो नहीं कर उसमें सर, बस साबुत डालना। और पानी डाल दे, एक गिलास पानी, आधा गिलास पानी डाल के हम थोड़ी देर छोड़ देंगे इसको, ताकि टमाटर का पानी छूटेगा, थोड़ा टमाटर नरम हो जाएंगे और थोड़ा हम जो मसाला डाले उसका कच्चापन ख़त्म होगा, थोड़ा मसाले पक जाएंगे उस पानी में। और ये देखें, आधा गिलास पानी हमने इसमें और डाल दिया, क्योंकि हमें कीमा भी गलाना है।
टमाटर और कीमा गलेगा तो हमारे टमाटर खुद अपने आप सब मैश हो जाएंगे, अच्छी तरह से गल जाएंगे। फिर उसके भुनाई करने के बाद हम इसमें ये कटे हुए आलू डाल देंगे भुनाई करते हुए, जब तक के लिए हम इसको ढक देते हैं। हम इसको ढक देंगे ताकि इसका कीमा जो है अच्छी तरह से गल जाए और टमाटर भी गल जाए। ये हमने इसको ढक दिया है 15 मिनट के लिए हल्की आँच में। ये देखें थोड़े लो फ्लेम पर रखेंगे, थोड़ी हल्की आँच में ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा पानी थोड़ा खुशक हो गया है, ऑयल ऊपर आने लगा है और हम इसके अभी अच्छे से भुनाई करेंगे क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा और पानी है। ये देखें आपके सामने, ये अभी अच्छी तरह से अभी इसकी और भुनाई होगी। टमाटर अभी थोड़े सख्त है, तब इसके टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे और तेल को ऊपर आने लग गया है और अभी थोड़ा इसमें पानी बिल्कुल खुशक हो जाएगा। अच्छे से भुनाई करके फिर हम इसमें ये आलू डालेंगे और अभी हम इसमें डालते हैं हरी मिर्चें, ये अभी हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने हरी मिर्ची डाली थी और ये हरी मिर्ची थोड़ी सी गल गई है और इसमें हरी मिर्ची की खुशबू आना शुरू हो गई है और भुनाई हमारी कंप्लीट हो गई है कि हमारा गल चुका है और अब हम इसमें डालने लगे हैं ये आलू। ये देखें ये आलू हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालेंगे।